झंझारपुर के इमादपट्टी में मृत किराना व्यवसायी के घर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे और मृतक के परिजन से मिलकर हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं स्थानीय प्रशासन से जल्द मामले के उद्भेदन को लेकर मांग की है। वहीं पप्पू यादव ऐसे घटना में संलिप्त अपराधी को लेकर खासे गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा, मेरा इच्छा है कि ऐसे अपराधी को सीधे जान से मार देना चाहिए। अपराधी आखिर अपराधी ही होता है। चंद रुपए की खातिर अपराधी किसी का जान ले लेता है। अपराधी महज चंद रुपए को लेकर किसी के कहने पर हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे डालता है। जिले के भैरवा स्थान थाना के इमादपट्टी गांव में बुधवार की सुबह किराना दुकानदार राम सौगात साहू के 22 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार साहू को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया था, जिसको लेकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने मृतक के घर पहुंचकर परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए कहा कि बिहार में माफिया राज चलता है। आए दिन बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया, बलात्कारी माफिया हर रोज कोई न कोई घटना करते ही रहता है। कृष्ण कुमार साहू की हत्या को लेकर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने स्थानीय प्रशासन से मांग किया है कि हत्या का उद्भेदन करते हुए एसपीडी ट्रायल चलाकर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दे। अपराधी महज चंद रुपए को लेकर किसी के कहने पर हत्या कर देता है और अपराधी खुलेआम घूम रहा है। पुलिस प्रशासन सोई हुई है। बिहार सरकार बदल गया लेकिन प्रशासन अभी भी नहीं बदला है। पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द हत्या का उद्भेदन करे। आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर, अब हम तो लगातार इसमें इसको ऐसे नहीं ले लीजिए। कोई पूछ देता है जंगल राज, अरे भाई हम तो हर दिन मधुबनी की घटना में या बिहार की घटना में 10, 20, 25, 30 जाते हैं। आज जो बालू का लगातार इनको गोली चल रही, क्या हमारे भीतर इच्छा शक्ति मर गई? हम अपराधियों को शमशान ना भेज सके? हम इस अपराधियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दो, अपराधियों का नाम लेने की हिम्मत दो, तो फिर एमएलए एमपी क्यों बनते हो? तो अब पूरा बालू के सिंडिकेट में प्रशासन सिंडिकेट बना के चला रहा है। पूरा बिहार जितना नदी है उस नदियों से बालू निकालने का काम प्रशासन का सिंडिकेट पूरा हैबा उसका। फोकलैंड उसका पैसा, नेताओं का हिस्सेदार सब। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, पहले नष्टो नाबूद करिए आप शासन प्रशासन को, और इनके नक्सल जो है नेता अपराधियों का उनको। सरकार का चरित्र बदला है, प्रशासन की मानसिकता नहीं बदली। प्रशासन यथावत है, 7 साल, 5 साल, 4 साल, 3 सालों से, 10 सालों से एक ही जगह लोग बैठे। आप रिवर हो या भट्टी टाइप के डीजी ला क्यों नहीं रहे? आप बैठा क्यों नहीं रहे भट्टी टाइप के डीजी को? अब शराब, एक मुद्दा शराब और सारा मुद्दा गायब हो जाए, और शराब मुद्दा बना नहीं कि 80% लोगों के हाथ में स्मैक, ड्रग्स, क्रैक्स, पोर्न, सारे 80% बच्चों के हाथ में आ गया। कौन क्रैक्स नहीं पीता है? कौन व्हाइटनर और सोल्यूशन नहीं लेता है? ये बताइए ना। और परिवार मजे में है, कोई माँ बाप को डर, अपने बच्चों को रोक ही नहीं पा रहा है। अपराधियों को किसी भी सोसाइटी का प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो जितना बड़ा हो। और हमारी पहली प्राथमिकता होगी, और सरकार से हम मांग करते हैं कि पहले सुरक्षा आवश्यक है, डर जनता के भीतर निकालना आवश्यक है, और अपराधियों के भीतर खौफ पैदा होना आवश्यक है और उसका मरना आवश्यक। अब भैया पत्रकार जी लोग भी तो आप लोग जात में बटल रहते हैं, तो उसमें हम क्या करें? उसी तरह नेता लोग भी, अब कौन जात है, किस कौन जात है जो बोले हैं? एमएलए कौन है?
तो उनको तो बेचारे को तेली समाज का वोट बैठले मिलता है तो कह लाएंगे। वही बात है सर, वही बात है। अरे नीतीश जी आवे या न आवे, वोट तो फैलने न है। नांगे उठा के वोट दे चाहिए। यादव जी नहीं आए इसीलिए कि उसको वोटे नहीं आप देते। यादव का अपराधी है, अपराधी का नाम है पीछे में यादव लगा है जो मारने वाला है। मरवाने वाला मंडल जी है, तो मंडल जी का लोग नहीं आएगा तो यहाँ साहे जी ना चौधरी जी या जसवाल जी बेचारे रहेंगे हमारे ख्याल से। अब कुछ लोग तमाशवीन लोग होंगे जो मैं जितना मैंने इस बिहार को जाना है मैं वो बता रहा हूं। परसों गया गए मारने वाला कौन, मारने वाला भूमिहार तो एक को दूसरा जात नहीं था, सब भूमिहारे बैठल था। पत्रकार थे झाजी मरने वाले तो वहां एक को जात नहीं था, खाली झा थे और पप्पू यादव थे। तो मेरा तो चलिए कोई जात नहीं है, पता नहीं है कि कौन कैसे पैदा हुए, तो पूछना पड़ेगा माए बाप से तू कौन जात। ये जो आप नेता लोगों को ढूंढ रहे हैं तो आप ही लोग नेता लोगों को प्रणाम सर, नमस्कार सर, सलाम सर, आप पंचायत सर, हम करते हैं। हम तो नेताओं का वो औकात बताएंगे कि पानी नहीं मिलेगा इन लोग समझे। पब्लिक से पूछिए ना कि कैसे भगत होगा तो नेता, ब्याह होगा तो नेता, मतलब चोरचन होगा तो नेता, सब नेता को छुछुआल फूरते हैं। ये सब घड्डू का नेता है, वो है 20 लाख 30 लाख रुपया महीना, 40 लाख रुपया हर थाने को महीना, तो उसको 2 करोड़ 2 करोड़ रुपया कमाना है। और उस कमाने के पीछे यही शूटर, यही महाकाल गेंग काल सुरेंद्र धमधम काल, तो समाज खाली प्रशासन को दोष मत ठहराइए, समाज लड़ना जानती है क्या? इतनी बड़ी घटना घट जाती है और उसके बाद समाज डरा हुआ रहता है, दहशत करते में है, और उसके बाद सब अच्छा नेता एमएलए एमपी लोग, ये लोग तो मस्त हैं, इन लोगों को क्या मतलब? पत्रकार जी लोगों का सपोर्ट मिल ही जाता है, जात पात पर हिंदू मियां पर जनता का वोट मिल ही जाता है, 500 रुपया पर वोट मिलता ही है। हालात सबसे बड़ा चैलेंज की जरूरत है इस कुछ भी, तो सबसे पहले जनता के भीतर डर और खौफ और नफरत खत्म करना। थाना जब पूरा मस्त है और उसके संरक्षण में सारी घटनाएं घटित होती है और सोसाइटी और नेता प्रोटेक्शन करते हैं, तो आप हमें बताएंगे ना कि समाज में अपराध रुकेगा कैसे? अपराधियों का मनोबल यदि समाज ही प्रोटेक्ट करेगी, मर्डर जिसका होगा उस जात के लोग थोड़े देर सड़क पर होंगे या हो करेंगे, और जिस जात का अपराधी मारता है उस जात का अपराध जात चुपचाप बैठ जाते हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।